हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक विद पैशन। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है किचन टिप्स। दोस्तों, किचन टिप्स बहुत ही यूज़फुल हैं। इन किचन टिप्स को दोस्तों आप रोज़मर्रा में काफ़ी हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर करें ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की मेरी टिप नंबर 1 है। दोस्तों, अक्सर हमने देखा है कि नमी के मौसम में सॉल्ट और पेपर डिस्पेंसर में नमक और काली मिर्च काफ़ी हद तक सील जाती है, वो नमी पकड़ लेते हैं। तो उसका बेस्ट सल्यूशन है दोस्तों कच्चे चावल। तो हम कुछ कच्चे चावल के दाने अपनी काली मिर्च वाले डिस्पेंसर में और कुछ चावल के दाने नमक वाले डिस्पेंसर में ऐड कर देंगे, जिससे कि पूरी नमी चावल के दाने एब्जॉर्ब कर लेंगे और नमक और काली मिर्च काफ़ी हद तक दोस्तों फ्रेश रहेंगे। तो दोस्तों, ये टिप बहुत ही यूज़फुल है। ये दिक्कत दोस्तों अक्सर हम देखते हैं बरसात के मौसम में। तो इस टिप को दोस्तों आप ज़रूर फॉलो करें, इससे आपके सॉल्ट और पेपर दोनों ही काफ़ी हद तक फ्रेश और सही रहेंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी टिप नंबर 2 है। अक्सर हम देखते हैं कि किचन की जो सीज़र है दोस्तों बहुत ही जल्दी ब्लंट हो जाती है। ये भी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम है और रोज़ रोज़ मार्केट जाके इसको तेज़ कराना भी आसान काम नहीं है। तो दोस्तों, सिल्वर फॉयल तो हर घर में मौजूद है, तो हम इससे ही आज अपनी सीज़र को तेज़ करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से 3-4 फोल्ड सिल्वर फॉयल के करके हम सीज़र से इसके बारीक बारीक टुकड़े काटेंगे। दोस्तों, इससे आप देखेंगे कि आपकी सीज़र काफ़ी हद तक तेज़ हो जाएगी और इसकी धार भी काफ़ी हद तक अच्छी हो जाएगी और आपके बाज़ार जाने का झंझट भी दोस्तों ख़त्म है। तो ये भी किचन टिप दोस्तों बहुत ही यूज़फुल है, तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो करें। दोस्तों, आज की हमारी किचन टिप नंबर 3 है। दोस्तों, जब भी हम भिंडी बनाते हैं तो देखते हैं कि काफ़ी हद तक भिंडी लार छोड़ती है और कभी कभी तो बहुत ही चिपचिपी सी बनती है। तो उसका बेस्ट सल्यूशन है दोस्तों लेमन जूस। जब हम भिंडी बनाएं दोस्तों, तो जब हमारी भिंडी आधी कुक हो जाए तो इसमें आप एक लेमन का जूस ऐड कर दें, जिससे कि भिंडी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी तो बनेगी और इसका स्वाद भी इन्हेंस होगा। तो दोस्तों, आज हमारी टिप नंबर 4 जो है, अक्सर हम देखते हैं दोस्तों जब भी हम पतीले में दूध बॉईल करते हैं तो दूध जो है वो तले पर चिपक जाता है और जिससे कि तले को साफ़ करना बहुत ही मुश्किल रहता है। तो इसका बहुत ही बेहतर सल्यूशन है, जब भी हम दूध को बॉईल करें तो गर्म पतीले में दोस्तों हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लें और पानी को थोड़ा सा इसमें गर्म होने दें और उसके बाद हम दोस्तों इसमें दूध ऐड करेंगे, जिससे कि दोस्तों जब दूध बॉईल होगा और वो इसके साथ बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं और पतीला जो है वो बिल्कुल साफ रहेगा नीचे से। तो मुझे उम्मीद है ये भी किचन टिप दोस्तों आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। आज की किचन टिप नंबर दोस्तों 5 इस तरह से है। अक्सर जब भी हम लेमन इस्तेमाल करते हैं तो आधा लेमन यूज़ करने के बाद आधा लेमन दोस्तों काफ़ी हद तक वेस्ट चला जाता है। तो उसका बेस्ट सल्यूशन ये है कि लेमन को पहले तो हाथ से अच्छे से सॉफ्ट कर लें या फिर आप किचन काउंटर पर रख कर इसको इस तरह से अच्छे से रगड़ लें, जिससे कि लेमन का सारा जूस काफ़ी हद तक स्क्वीज हो जाएगा। तो हम इसको लेमन जूस को निकालने के लिए दोस्तों इसमें कुछ होल्स कर देंगे। आप पिन की सहायता से या फिर किसी नीडल की हेल्प से इसको इस तरह से कर सकते हैं या फिर चाकू से भी आप इस पे छोटा सा कट लगा लें और जितने जूस की आपको ज़रूरत हो उतना आप इसमें से निचोड़ लें और बाकी लेमन आप फ्रिज में रख सकते हैं। किचन टिप नंबर 6 दोस्तों,
दोस्तों जब भी हम चावल बनाते हैं या तो चावल चिपचिपे बन जाते हैं और कई कई बार तो वो खिले खिले भी नहीं बनते। तो इसका दोस्तों बहुत ही अच्छा सलूशन है कि जब भी आप चावल को बॉईल करें तो इसमें एक नींबू का आप रस ऐड कर दें। नींबू का रस ऐड करने से दोस्तों चावल बहुत ही अच्छे और बहुत ही खिले खिले तो बनेंगे ही, इनका रंग भी दोस्तों बहुत सफ़ेद और खिला हुआ आएगा। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी आप चावल बॉईल करें तो उसमें लेमन जूस ज़रूर ऐड करें। टिप नंबर 7 दोस्तों जब भी हम अक्सर केक बनाते हैं तो उसको चाकू से कट करते हैं और बहुत ही ख़राब हो जाता है कई बार चाकू से काटते हुए केक, बहुत ही अनइवन सा कट होता है। तो इसका बेस्ट सल्यूशन है कि आप चाकू की बजाय इसको थ्रेड से काटें। कोई भी आप धागा ले सकते हैं या डेंटल फ्लॉस ले सकते हैं, इस तरह से आप थ्रेड से क्रॉस करते हुए अपने केक को कट करें तो आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे और बेहतर तरीके से आपका केक कट होगा, बहुत ही प्रोफेशनल हिसाब से। तो नेक्स्ट टाइम से केक को भी थ्रेड से ही काटें। टिप नंबर 8 दोस्तों, हरी मिर्च को काटना भी दोस्तों चाकू से किसी मुसीबत से कम नहीं है। बहुत बार हाथ पे जलन होती है और मिर्च वाले हाथ कई बार तो मुंह और आंखों को भी लगते हैं। तो बेस्ट सल्यूशन है कि आप किचन सीजर से हरी मिर्च को काटें, जिससे कि आपको हरी मिर्च को बिल्कुल भी हाथ से पकड़ना नहीं पड़ेगा और आपको बिल्कुल भी जलन नहीं होगी मिर्च की। तो इस टिप को भी ज़रूर फॉलो करें। दोस्तों हमारी आज की 9 नंबर की टिप दोस्तों बहुत ही यूज़फुल है। अक्सर हम दोस्तों घर में क्लिंग रैप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसको रोल से निकालना बहुत ही मैसी काम होता है, बहुत ही मुश्किल होती है, काफ़ी हद तक तो हमारा रैप वेस्ट हो जाता है। तो इसका बेस्ट सलूशन है कि आप इसको 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखें और ठंडा होने के बाद दोस्तों इस रैप को निकालना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो देखिए ये ठंडा रैप है और इसको खोल करके यूज़ करना बहुत ही आसान है। तो नेक्स्ट टाइम से आप क्लिंग रैप को जब भी इस्तेमाल करें 10 मिनट इसको फ्रिज में रख लें। आज की हमारी 10th और फाइनल टिप दोस्तों इस तरह से है। जब भी हम दोस्तों ड्राई फ्रूट्स लाते हैं अक्सर उनमें कीड़ा लग जाता है या तो फिर बहुत जल्दी वो ख़राब हो जाते हैं, तो उसका बेस्ट सलूशन है दोस्तों हम इनको कांच के जार में, एयर टाइट जार में भर के फ्रिज में लगा सकते हैं। फ्रिज में रखने के कारण दोस्तों हमारे ड्राई फ्रूट्स काफ़ी लंबे समय तक, बल्कि कई महीनों तक फ्रेश रहेंगे।